हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। छोटे पर्दे के सितारे भी अब इस पर फंसते नजर आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। रिया ने अपने लिए बेल मांगते हुए याचिका में जो कहा है वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि सुशांत गांजा पीते थे, वो भी कभी कभी अपने पैसे से उनके लिए गांजा मंगाती थी। रिया का कहना है कि ये मामला इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें बेल तक न दी जा सके। एबीपी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका की वो कॉपी मौजूद है जिसमें वो ऐसी कहानी गढ़ रही हैं जिसके कारण उन्हें बेल मिल जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने 47 पन्नों की जमानत याचिका में रिया की तरफ से लिखा गया एक एक शब्द ये बताता है कि जो रिया कल तक सुशांत की गर्लफ्रेंड होने का दावा करती थी वो अब सुशांत की मौत के बाद उन पर ही सारे आरोप मढ़ देना चाहती है। रिया ने सुशांत पर गांजा लेने का आरोप लगाते हुए याचिका में लिखा है कि ड्रग्स का सेवन सिर्फ सुशांत करता था, इसके लिए वो अपने स्टाफ मेंबर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की मदद लेता था, उन्हें ड्रग्स लाने के लिए कहता था। सुशांत के कुक के तौर पर काम करने वाले नीरज ने सीबीआई और मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि मौत के 3 दिन पहले सुशांत ने उसे गांजे के जॉइंट्स बनाकर अपने बेडरूम में रखने के लिए कहा। कुक नीरज के मुताबिक उसने गांजे के जॉइंट्स बनाकर उन्हें एक डिब्बे में सुशांत के बेडरूम में रख दिया। सुशांत की मौत के बाद जब कुक नीरज को उनके कमरे में ले जाया गया तो वो डिब्बा खाली मिला जिसमें उसने गांजे के जॉइंट्स बनाकर रखे थे, यानी वो सारा गांजा खत्म हो चुका था। इससे साफ होता है कि सिर्फ सुशांत ही ड्रग्स का सेवन करता था और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए उसे अपने करीबी लोगों का इस्तेमाल करने की आदत थी। रिया ने अपने बयान में माना है कि वो कभी कभी सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी और ये मामला इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें बेल तक ना दी जा सके। मुझ पर आरोप है कि मैं सुशांत के लिए ड्रग मंगाती थी और कभी कभी उसका पेमेंट भी करती थी, यानी इस मामले में मेरी कोई भूमिका थी तो वो बस इतनी कि मैं सुशांत के लिए कम मात्रा में ड्रग मंगाया करती थी जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा हो सकती है। इसीलिए मौजूदा आरोपों के लिए मुझे जमानत दी जा सकती है। मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने कभी ऐसे वक्त पर ड्रग्स मंगाए हों जब मैं सुशांत के साथ रिश्ते में नहीं थी। अगर आज सुशांत जिंदा होते तो उन पर थोड़ी मात्रा में ड्रग्स के सेवन का आरोप लगता जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है और इसमें जमानत मिल सकती है। ये बहुत ही असंगत है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी और कभी कभार ड्रग्स के लिए पैसे देने वाले को 20 साल की सजा की बात की जा रही है। रिया चक्रवर्ती हर चीज के लिए सुशांत और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्होंने सुशांत की बहन प्रियंका को भी सुशांत की मानसिक हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जून 2020 की सुबह सुशांत लगातार अपने फोन पर बिजी थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वो मैसेज दिखाए जो उन्हें उनकी बहन प्रियंका ने भेजे थे। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उनकी बहन प्रियंका ने उन्हें दवाइयों की एक लिस्ट भेजी है। मैंने सुशांत को समझाया कि उनकी जो हालत है उसे देखते हुए उन्हें अपने डॉक्टरों की तरफ से लिखी गई दवाइयों के अलावा और कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि गांजा पीने की आदत के साथ ऐसी दवाइयां लेने से उनकी मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ सकता है, पर सुशांत नहीं माना और वो इस बात पर अड़ा रहा कि वो केवल अपनी बहन की बताई गई दवाइयों को लेगा। इसके बाद सुशांत ने मुझे मेरा सामान लेकर घर से जाने के लिए कह दिया। रिया के मुताबिक सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि उनके पिता भी बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। सुशांत ने मुझे बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उनके परिवार को छोड़कर दोबारा शादी कर ली। सुशांत ने ये भी बताया कि उनकी माँ डिप्रेशन का शिकार थी और उसे लगता था कि उसके पिता भी बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज थे। यही नहीं, सुशांत के मुताबिक उसकी बहन प्रियंका को भी कोई मानसिक बीमारी थी जिसकी वो दवाइयाँ लिया करती थी। रिया ने अपनी तरफ से पूरा दोष सुशांत और उनके परिवार पर मढ़ दिया है। अब देखना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट उन्हें राहत देता है या नहीं।